साथियों, आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। होता क्यों है, पहले इस कारण को जानें कि जब भी कभी हम अधिक समय तक कंप्यूटर के आगे बैठते हैं या रात भर हमें नींद नहीं आ पाती है, किसी कारण से हमें जागना पड़ता है, दो तीन रात हमारी ठीक से नींद नहीं आई, तो हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। एक दो दिन में आपका फंक्शन हो और आपको डार्क सर्कल्स हो, तो कैसे आप घरेलू तरीके से आप डार्क सर्कल्स से निजात पा सकते हैं, तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सरल है, सहज है और इजीली आप लोग घर पर कर सकते हैं। और मज़े की बात है, ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं, अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे डार्क सर्कल्स के लिए, वो है आलू का रस। जी हाँ साथियों, आलू सभी के किचन में होता ही है। आप आलू को लेंगे, आलू को जो छिलका उसका उतार कर इसका आपको जूस निकालना है। एक्चुअली ये तो कद्दूकस कर लिया और इसको फिर कपड़ छन कर लेंगे, ताकि इसका जो आलू के जूस है हमें वो लेना है। इसमें आप एक या दो चम्मच नींबू का रस भी मिलाएंगे, और आलू का जूस और नींबू का रस, इससे आपका जो जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है आपको इसकी आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप नैपकिन लेंगे, जो पेपर नैपकिन होता है उसको आप फोल्ड कर लें और जो अभी हमने रस बताया इसमें डुबो लें। तो दो आपने पेपर नैपकिन लिए, अलग अलग आपने फोल्ड कर लिया, उसको चार तह बना ली कि इतना बड़ा पीस कर लिया कि इजीली हमारी आंखों में आ जाए, तो वैसे आपने दो नैपकिन को लिया, जो रस था उसमें डुबोया, हल्का सा निचोड़ा और इन जो रस पूरा पूरा ये अब्जॉर्व कर लेगा पेपर नैपकिन, और इसको आप अपनी आँखों में 10 से 15 मिनट तक रखें, लेट जाएँ और इसको रखें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आलू मैल को काटता है, सबको पता है, ब्लीचिंग एजेंट है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं डार्क सर्कल में, ज़रूर इसको करें, फ़ायदा होगा। साथियों, एक और घरेलू उपचार है जो चाहते हैं कि रातों रात उनके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी तीन चीज़ों की, दो की तो मैं चर्चा पहले ही कर चुकी हूँ, आलू का रस, नींबू का रस, और तीसरी चीज़ है टमाटर का रस। जी हाँ साथियों, टमाटर नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, नेचुरल ब्लीचिंग है, हमारी जो त्वचा को बहुत साफ करता है। तो तीनों चीज़ें आपने बराबर बराबर मात्रा में ले ली, टमाटर का रस, आलू का रस और नींबू का रस। धीरे धीरे से आपको इस रस को आँखों पर रख कर मसाज करनी है, टैपिंग भी कर सकते हैं। टैपिंग का मतलब होता है स्मॉल फिंगर में डुबोया आपने इस रस में, और धीरे धीरे से आप इसको ऐसे टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से क्या होगा, जो भी जूस है, वो जो पेस्ट है, वो सटल हो जाएगा, रुक जाएगा, सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, और आप ऐसा 10 से 15 मिनट तक ये जूस को अप्लाई करें अपने आँखों में। उसके बाद साफ़ पानी से आप धो सकते हैं और देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो डार्क सर्कल्स आपके हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे इन घरेलू उपचार से। हाँ साथियों, एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसको आपको ताज़ा ही बनाना है और ताज़ा ही लगाना है, क्योंकि आलू का रस है, तो क्योंकि आलू का रस ज़्यादा समय तक आप रखेंगे तो काला पड़ जाएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब अभी हम तैयार हों ये चीज़ें करने के लिए, तभी इस जूस को बनाएं, और बनातों के साथ ही तुरंत ही हमें लगाना है। साथियों, एक सरल सा उपाय और है डार्क सर्कल्स को दूर करने का, वो है कलौंजी का तेल और कैस्टर ऑयल। जी हाँ साथियों, हमें लेना होगा इसके लिए एक चम्मच कैस्टर ऑयल और एक चम्मच कलौंजी का तेल, दोनों को मिलाकर रख लें, और रोज रात में सोने से पहले आपको अपनी आँखों के ऊपर इस तेल का इस्तेमाल करना है। हल्की हल्की आप मसाज भी कर सकते हैं, रात भर लगाकर हमें सोना है। सुबह सादे पानी से हम धो लेंगे तो धीरे धीरे जो डार्क सर्कल्स हमारे थे वो उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, और 10 से 15 दिन में हमारे डार्क सर्कल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। साथियों, कैस्टर ऑयल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिनकी पलक के बाल छोटे हैं, वो ज़्यादा आई लैशेज़ को लंबी करना चाहते हैं, तो वो भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल, जैसे हम मस्करा यूज़ करते हैं तो वो मस्करा वाले ब्रश से कैस्टर ऑयल को अपने पलकों में लगा सकते हैं, तो आई लैशेज़ भी हमारी बहुत होम रेमेडी से बहुत अच्छी घनी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, और जो चाहते हैं कि उनकी आई लैशेज़ अच्छी हो, अच्छे दिखें, तो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा।